इकोनॉमी में रिकवरी के बाद एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन ग्रोथ यानी आईआईपी में उछाल देखने को मिला है। आईआईपी में उछाल इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है। जुलाई में आईआईपी में 11.5% का उछाल देखने को मिला, जबकि पिछले साल जुलाई में आईआईपी ग्रोथ में 10.50% की गिरावट आई थी। जून महीने में औद्योगिक उत्पादन ग्रोथ में 5.7% की तेजी आई थी। इस आंकड़े में अच्छी बात यह है कि जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सालाना और महीने दर महीने दोनों आधार पर बढ़ा है। हालांकि ये बढ़ोतरी लो बेस के चलते भी देखी जा रही है, क्योंकि पिछले साल जून में कोरोना की वजह से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थी। सालाना आधार पर देखा जाए तो जुलाई में हर सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। जुलाई में माइनिंग ग्रोथ 19.5% रही, जबकि पिछले साल जुलाई में माइनिंग ग्रोथ -12.7% थी। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 10.5% रही, जबकि पिछले साल जुलाई में -11.4% थी। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 11.1% रही, जो कि पिछले साल -2.5% थी। तो वहीं कैपिटल गुड्स ग्रोथ 19.5% रही, जो कि पिछले साल -22.8% थी। कंज्यूमर गुड्स ग्रोथ 20.2% रही, जो कि पिछले साल -23.7% थी। कुल मिलाकर जुलाई में सभी सेक्टर्स में उत्पादन में बढ़त देखने को मिली है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद साबित होगी। इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर देखने को मिलेगा। औद्योगिक उत्पादन का तेज रफ्तार से बढ़ना रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर दे सकता है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का मतलब जहां एक ओर मौजूदा कंपनियों की ओर से अपनी क्षमता का विस्तार है, तो वहीं दूसरी ओर नई परियोजनाएं भी शुरू होने के संकेत मिलते हैं। दोनों ही सूरत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के नए मौके बनेंगे। आमतौर पर अगर एक व्यक्ति को सीधे सीधे नौकरी मिलती है तो उसके साथ ही औसतन 4 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। अब आपको बताते हैं कि ये आईआईपी होता क्या है। उद्योगों के उत्पादन के आंकड़े को औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। इसमें 3 बड़े सेक्टर शामिल किए जाते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, यानी उद्योगों में जो बनता है, जैसे गाड़ी, कपड़ा, स्टील और सीमेंट जैसी चीजें। दूसरा है खनन, जिससे निकलता है कोयला और खनिज। और तीसरा है यूटिलिटीज, यानी जन सामान्य के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें, जैसे सड़क, बांध और पुल। ये सब मिलाकर जितना भी प्रोडक्शन करते हैं उसे कहते हैं औद्योगिक उत्पादन।